नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र पांडे उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड डिज़ाइन, और इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कॉमन बस सिस्टम। पिछले लेक्चर में हमने एक बेसिक कंप्यूटर सिस्टम एज्यूम किया था, जिसमें हमने 8 प्रोसेसर रजिस्टर और एक मेमोरी जिसका साइज 4096x16 है, इसको एज्यूम किया था। हमने एक्सप्लिसिटली तो नहीं कहा था कि इसमें कंट्रोल यूनिट भी होगा, लेकिन हाँ, क्योंकि क्योंकि हम बार बार इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए, उसे डिकोड करने के लिए कंट्रोल यूनिट का इस्तेमाल कर रहे थे, तो इसमें एक कंट्रोल यूनिट भी है। तो हमारे बेसिक कंप्यूटर में फिलहाल 3 चीजें हैं: मेमोरी रजिस्टर्स, मेमोरी और कंट्रोल यूनिट। अब चूंकि किसी भी नॉर्मली हमारा जो प्रोग्राम है वो मेमोरी में लोड रहता है, जब भी आप उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हो, तो क्योंकि प्रोग्राम क्या है, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस, तो यानी एट अ टाइम एक इंस्ट्रक्शन मेमोरी से लोड होके या इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आता है, यहाँ वो डिकोड होता है, फिर उस इंस्ट्रक्शन में जो भी ऑपरेशन होता है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए कंट्रोल सिग्नल, नेसेसरी कंट्रोल सिग्नल इनेबल करता है, और फिर वो माइक्रो ऑपरेशन परफॉर्म होता है। ये तरीका है। तो इसी तरीके से एड्रेस रजिस्टर में आप मेमोरी की उस लोकेशन का एड्रेस डालेंगे जहां पे ऑपरेंड है। प्रोग्राम काउंटर में आप क्या करता है, प्रोग्राम काउंटर होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। तो यहाँ पे आप एड्रेस वो लोड करते हो जो इस समय कोई जो इंस्ट्रक्शन लोड हो रहा है, तो सीपीयू नेक्स्ट किस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा उसका एड्रेस यहाँ होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये सारे रजिस्टर और मेमोरी आपस में डेटा या इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करेंगे। तो इसका मतलब इन सारे रजिस्टर से, हर रजिस्टर दूसरे रजिस्टर से कनेक्ट होना चाहिए, तभी आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे। लेकिन सोचिए, हर रजिस्टर अगर दूसरे रजिस्टर से डायरेक्टली कनेक्टेड हो, तो हर रजिस्टर से कितने कॉम्बिनेशन ऑफ तार के कॉम्बिनेशन निकलेंगे। ये 16 बिट का रजिस्टर है, तो 16 बिट पाथ यहां से निकलेगा इसके लिए, 16 बिट पाथ निकलेगा इसके लिए, 16 बिट पाथ निकलेगा इसके लिए। इसी तरीके से इस रजिस्टर में भी सब जगह से 16 बिट पाथ, 16 बिट, 16 बिट, यहाँ 12 बिट, ये 12 बिट, ये 8 बिट, ये 8 बिट, इतने कॉम्बिनेशन हर रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में जाएंगे, पाथ जाएंगे बेसिकली सर्किट। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इस कारण से हमने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 16 बिट कॉमन बस की परिकल्पना की। तो क्या होती है 16 बिट कॉमन बस, यहां पे आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, ये एक 16 बिट कॉमन बस है, जिससे कि सारे रजिस्टर और मेमोरी जुड़ी हुई है। तो अब आपको हर रजिस्टर को दूसरे रजिस्टर से जोड़ने की आवश्यकता नहीं, ये कॉमन हाईवे है, इससे सारे रजिस्टर जुड़े हुए हैं। बस फर्क यह है कि एट अ टाइम एक ही रजिस्टर इसमें डेटा इस हाईवे के थ्रू दूसरे रजिस्टर को या मेमोरी को भेज सकता है। इस अरेंजमेंट को हम 16 बिट कॉमन बस कहते हैं। 16 बिट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमारे इस एजम्पशन में, ये बेसिक कंप्यूटर में जो हमने एज्यूम किया है, यहाँ पे जो हाईएस्ट साइज का रजिस्टर है वो है 16 बिट का, 0 to 15। तो यानी कि इस इंफॉर्मेशन हाईवे से बेसिकली 16, मैक्सिमम 16 बिट डेटा ही ट्रेवल करेगा, इसलिए हमने यहाँ पे इस बस की विड्थ जो है वो 16 बिट रखी है।